सुनते नहीं है समस्या? नहीं सुनते हैं भाई, कुछ नहीं। बन जाए, बन जाए, हम बनवा दे, बनवा दे। हाई कॉलोनी दे दे, तो अगर लाइटनिंग बनवा दे, तो पानी का सुविधा बनवा दे, कुछ नाली है सरकारी। अच्छा, नाली भी जोत करके आए। तो नाली कहाँ है सरकारी? सरकारी नाली है, गुलाबा है। गुलाबा, ये गुलाबा नहर है? गुलाबा है। अच्छा, ये सरकारी गुलाबा नहर बता रहे हैं। आज ये खेत में जो है धान उग रहा है, ये नहर में धान उग रहा है, और जहाँ पानी का निकास जो समाधान होना चाहिए, लोगों का एक नाली बनना चाहिए, उसमें धान बोया जा रहा है। गाजीपुर के जो है कासमावा ब्लॉक अंतर्गत उपस्थित है, ये है महादेवा गांव। और महादेवा गांव के ग्रामीणों ने जिस तरह से एक काफ़ी समस्याओं का सामना करने में मजबूर है, एक समस्या खड़ी है। आखिरकार क्या समस्या है, इनसे खास जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मैना। क्या आप लोग की गांव में इस समस्या है? नहीं, पानी उनी बहलो का भैया व्यवस्था नहीं, पानी बहने का व्यवस्था नहीं है। ये गांव में प्रधान है, ये नहीं कहो गांव में बाण। अच्छा, तो वो अपन खाली देखे ला। कौन प्रधान है, क्या नाम है? नरेश। नरेश प्रधान है। हाँ। मतलब आप लोग के गांव में ये जो नाली वाली ये सब बह रहा है किसी तरह, ये मतलब कि रोड जो यही रोड है आप लोग का? अब झगड़ा होकर लगी जेकर खेत बा बांध दे रोजगारिया। ये पानी इन लोग का निकास आप देख रहे हैं कि आगे जो ये खेत है, खेत में अभी धान की फसल है, तो शायद पानी की जरूरत है, तो खेत वाले शायद नहीं बोल रहे हैं। अगर इसी में दूसरा फसल लगती है जिसे पानी से नुकसान है, तो इसके लिए तो बंद करवे करेंगे, लेकिन उस समय ये पानी काम पावाएंगे। अच्छा, कहाँ ना पड़ेगा? किस्माती। तो आप लोग को इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत, रास्ता का, पानी का, हर चीज का। तो अब तक लिए कोई रास्ता इस गांव में नहीं बना है? कुछ ना, एगो गाड़ी द्वार पर जाई वाले ना। तो बरसात में कैसे आप लोग आते जाते हैं? ये तो लुगा खोस के इतना पानी में। तो क्या प्रधान जी ये नाला वाला ये सब रोड नहीं बनाते हैं? ना, कुछ नहीं। तो रोड बनाने के लिए कुछ बात तो कहती है कि ये गांव में रोड बनना चाहिए, प्रधान अकेला आप लोग बनाते हैं ना? हाँ। तो प्रधान इसीलिए बनाते हैं ना कि गांव का विकास हो, गांव में रोड रोड बने। हाँ, तो अमल का सुनवाई ना है। अच्छा, सुनवाई ना। क्या नाम है? तो आप लोग के गांव में बड़ी समस्या क्या दिख रही है? समस्या ये बा, नाली का कोई कोनो पैसा बाटे, कोनो विधवा का बकोनो, लेकिन पढ़ाई होत बताओ कुछ कने खेने मिला। अच्छा, कोई सुविधा नहीं मिला है? चलिए, क्या नाम है? क्या समस्या है? हमारे गांव में तो सर बहुत से समस्या है, कितना समस्या बताए, कुछ भी तो बताइए। ये नाली है, चक्रोट है, पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है? पानी की भी दिक्कत। ये निकास का पानी जो एक समस्या है, कहीं निकास ही नहीं है, बहुत बड़ा समस्या। क्या नाम है? आशा। तो आप लोग के गांव में जो दिख रहा है ये सभी पानी निकास, ये जो है पानी जैसे कहाँ बहवाती है आप लोग? अपने द्वार पर। अच्छा, द्वार पर से आगे के निकास उकास नहीं है? आगे के। अच्छा, और कौन नहीं बढ़ने देते हैं? क्यों नहीं बढ़ने देते? प्रधान नहीं, क्या खेत नहीं जाने देगा? खेत वाला तो भाई ठीक है, नहीं जाने देगा, लेकिन ये गांव में जो ये नाला है जो पंडोहा बहवा रही है, तो ये सब बनवाने के लिए प्रधान से बोली है? जो बांध देली पानी आगे ना बढ़ रही, ये चक्रो था। तो प्रधान से बोली है कि ये सब प्रधान का करे? प्रधान तो अपने में बनावत हो करत हो। चाहिए तो ना तब का प्रधान ना चाहे ना का कह ले का कह ले वो अपने में बाण। ओटवा तो आप ही दिए ना? ओटवा दे भाई, अपन वोट आप दिए ना कि गांव का विकास है? विकास ना करते हैं, वोट ले लिए अब विकास नहीं कर रहे ना, ना। तो ये तो ना इंसाफी है ना कि गांव के प्रति जो है एक विकास नहीं कर रहे हैं। तो कई बार बोले हैं कि गांव का ये जो है रोड बनवा दीजिए, तो अरे ना भाई आओ हमें अपन चल जात हमें। अच्छा, देख कर चले जाते हैं? क्या कुछ चीज मिलत नहीं भैया, विकास है ना, निकास है बा। एक गांव के लोग विकास के लिए प्रधान चुनते हैं, प्रधान के आदमी जाते बा, तो जब करबे ना करबे ना करे, ओकसे वोट से जरूरत बा, वोट देने के लिए आप लोग चुन लेती है, लेकिन काम के लिए जब चुनती है तो क्या अटकले आ जाती है? अपन चोर मती लिख करके। अच्छा, प्रधान नल में वही में मतलब नहाई धोइन एकदम गाढ़ा मती बा। अच्छा, ये समस्या जो बड़ी इस समय दिख रही है गांव में, तो कछार मार के आदमी जाला आवे ना, ये लोग मजबूर है, जिस गांव में पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, प्रधान जो आते हैं और कैसे चले जाते हैं? चल भाई, उतर जाता है मतलब कि आते हैं और भाग जाते हैं। भाग जाता है,
सुनते नहीं है समस्या? नहीं सुनते हैं भाई, कुछ नहीं। बन जाए बन जाए। अच्छा बनाला का नहीं, चुप रह जा, बन नहीं बन नहीं पहले। अब तक ले कई प्रधान हुए होंगे लेकिन कोई रोड नहीं बना, केहू ना बना। दो दो तीन दिन वोट आता है, क्या बोल के जाते हैं? बनवा दे, हमके वोट दिया, हम बनवा दे, कॉलोनी दे दे, तो अगर लाइटनिंग बनवा दे, तो पानी का सुविधा बनवा दे, कुछ हाँ। अच्छा कभी आप लोग के आपसी में झगड़ा होगा पानी बहवाने के तौर पे हुआ? हाँ, होला ना, हो झगड़ा में प्रधान उधान किसी को बुलाते हैं? हाँ। तो क्या बोलते हैं? पानी खोलवा दी है, फिर बना जाए तेरे। ये समस्या को निपटारा नहीं किया जाता है, देख रहे हैं कि ये गांव का जो ये पानी निकल रहा है किसी खेत वाले को मना लेते हैं कि कुछ दिन बहवाइए, और फिर बाद में वो क्या करेगा? फिर बाद में वो रुकेगा तो फिर ये लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। दो चार दिन में बांध के आदमी अपने अपने द्वार पे गाड़ा खन खन पा वही अच्छा। देख ला जा भैया, ये पूरा जो है इन लोग के गांव का जो भी है नाली वैसा ही है, और इन लोग का घर जो है वैसा ही है जो आगे ये गड्ढा, क्या नाम है? बहादुर राजभर। तो आप लोगों का ये निकासी पानी का कहाँ है? ये नहीं है साहब, ये नाली है सरकारी। अच्छा तो नाली भी जोत करके? तो नाली कहाँ है सरकारी? सरकारी नाली गुलाबा है। ये गुलाबा नहर है? गुलाबा है। अच्छा ये सरकारी गुलाबा नहर बता रहे हैं, आज ये खेत में जो है धान उग रहा है, ये नहर में धान उग रहा है, और जहाँ पानी का निकास जो समाधान होना चाहिए, लोगों का एक नाली बनना चाहिए, उसमें धान बोया जा रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, आने जाने का भी परेशानी आता है। तो आप लोग आपत्ति नहीं जताए कि ये प्रधान जी ये नाली का ये जमीन है, जगह है? थक गए हैं, कैसे करें हम लोग, परेशान हो गए नाली का, हर चीज का परेशान। ये मतलब कागजी में है कि ये नाली है? हाँ हाँ कागजी में है, सरकारी है। सरकारी है तो फिर खेत वाला क्यों नाली जोतता है? वो जोत नहीं लाओ, बरियाई से जोतता है। अच्छा खेत वाला कौन है, क्या नाम है? राजे राजभर। कोई कोई भाई है वो लोग। तो ये नाली ना बनता है और ना आप लोग का समस्या का समाधान होता है, हमेशा झगड़ा झगड़ा होता है ना? हमेशा होता है। ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरह जो भी ये गांव के लोग हैं सबका जो है पानी का निकास का एक बड़ा समस्या है, कि जिसका जो है निदाने नहीं लोग कर रहे हैं, और आपसी में इन लोग का विवाद होता रहता है, और आप लोग जो है हमेशा अपने में झगड़ते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। फिर वो बात की तो ये नाली इधर से आया है ना? हाँ। ये रोड कितने कितना चौड़ा है ये वाला? ये तने अच्छा, अच्छा ये मतलब ये रोड है? हाँ। ये पूरा मतलब कि नक्शा में रोड बनाया गया कि ये रोड मतलब चक्रोड होगा? रोड बनावे खातिर छूटल है। अच्छा सब अपन अपन जमीन में से थोड़ी थोड़ी छोड़ छोड़ के अपन तो सब लोग छोड़ दिए इसको? हाँ, कोई अपना मतलब हाँ, कुछ काम नहीं करेंगे ये रोड के लिए, सब लोग छोड़ दिए। लेकिन रोड छोड़े तो रोड बना क्यों नहीं? तब प्रधान बने, तब ना बनी। सड़क दिए तब ना बनी। ये रोड छूट गया है लेकिन प्रधान जो है इस रोड को नहीं बनवा रहे हैं। ये समस्या का जो है समाधान करना इस गाँव के मुखिया का है, और गाँव के मुखिया ये गरीबों की जो है समस्या उलझाए रखे है, ताकि ये गरीब जो अपना पानी निकासी को लेकर विवाद करे, अपना रोड आने जाने में जो है समस्या को लेकर विवाद को पैदा करे। ये छप्पर वाले घर सभी है, मिट्टी वाला, ये गरीब परिवारों का जो घर है, ये गरीब आखिरकार समस्याओं में घिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों को वजह बनती है कि ये मजबूर हैं, और इनका जो भी एक समस्या है उनको निपटारा करने में कोई अपना साथ नहीं देता है। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये रोड और जो ये नाली का जो व्यवस्था है आज तक अधूरा है। घर में साइकिल ले जाके के दे दे। और हम चाहेंगे कि इस ब्लॉक के जो भी सचिव हैं और जो भी क्षेत्राधिकारी ऐसे गांवों का जो है मायना करे, और इस गांव के गरीबों का एक विकास जो रुपी जो विकास धारा की जो स्थिति रुकी है, ऐसे गांव में आकर मायना करके ऐसे गरीबों का उत्थान हो और सुंदर व्यवस्था हो, ताकि ऐसे गरीब जो है पिछड़े लोग जो जिस तरह से एक विवादित इन लोग के अंदर जो फैल रहा है आपसी झगड़ा हो रहा है, वो एक शांति हो और एक खुशहाली जीवन जी सके। इस वक्त के लिए भी न्यूज़ के साथ विमर्श कुमार, नमस्कार।